हेलो स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, हमने जो डिस्कस किया था वो था आपका एनसीईआरटी 9th क्लास का सॉल्यूशन। और एक्सरसाइज की बात करें तो थर्ड एक्सरसाइज हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व की थी, और आज इस वीडियो में जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो रहेगा आपका 1.4 चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम फॉर 9th क्लास। तो चलिए आप आज हम अपनी एक्सरसाइज की ओर चल लेते हैं और कुछ बातों को कर लेते हैं, एक्सरसाइज की को डिस्कस करते हैं। पहली देखें कि विजुअलाइजेशंस को हम बात करते हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशंस ऑन नंबर लाइन, क्या ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। विजुअलाइजेशन यानी किसी भी नंबर को, ठीक है, ऑन नंबर लाइन पर अगर हम देखें, ठीक है, नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन कुछ इस तरीके की होती है। देखें नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होती है। एक नंबर लाइन है, इस पर मिड पॉइंट जो है वो आपको जीरो है, यानी कि इस तरफ नेगेटिव नंबर मिलते हैं और इस तरफ पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पॉजिटिव नंबर। तो हमें क्या करना है, विजुलाइजेशन करना है वे जो है नंबर का, ठीक है, किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। तो देख लेते हैं, मान लीजिए यहां पर कि यहां पर मेरे को 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरीके से नंबर मिले, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब मुझे यहां पर रिप्रेजेंट करना है 4.5 को। किसको रिप्रेजेंट करना है? 4.5 को। मैं आपको बता दूं कि हर एक दो नंबरों के बीच में जो नंबर होते हैं, यानी कि अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, इस तरीके से इसकी बात करूं, तो इसके बीच में यानी कि 1 और 2 के बीच में जो मुझे नंबर मिलेंगे वो रहेंगे आपके, देखें, वो रहेंगे 1.1, ओके, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और यहां पर चलेंगे कहां तक, 1.9 तक चलेंगे, कुछ इसी तरीके से चलते जाएंगे। यानी कि दो नंबरों के बीच में हम देखेंगे 1.1, 1.2, 1.3 और इसके बाद जो चलेंगे 1.9 तक नंबर चलेंगे। यानी इसी तरीके से हमें अगर हमें बताना क्या है कि 4.5 बताना है, तो क्या बताना है? 4.5। तो आपको, आप लेंगे किस नंबर को? इन दो नंबरों को लेंगे और इन दोनों नंबरों के बीच में आपको 9 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 9, यानी 9 नंबर इनके बीच में होंगे। पहला नंबर रहेगा 4.1, दूसरा रहेगा 4.2, तीसरा रहेगा 4.5 और चौथा रहेगा, सॉरी, 4.3 और यहाँ पर रहेगा 4.5, 4.4 और यहाँ पर 4.5। तो ये नंबर हमें रिप्रेजेंट करने हैं। किस, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है? 4.5, यानी ये नंबर रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पर अपने नंबरों को विजुलाइज कर सकते हैं, है? अभी देख लेते हैं हम क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन किस तरीके से है देख लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको नंबर लाइन के ऊपर उन दो नंबरों को लाना है जिनके बीच में आपका डेसिमल बिलोंग कर रहा है। विशेष तौर पर जैसे मान लीजिए 4.5 है तो 4 और 5 के बीच में है, अगर आपका 3.5 है तो 3 और 4 के बीच में है। इस तरीके से यानी कि आपको बीच का नंबर निकाल लेना है और उस बीच के नंबर में आपको अपना नंबर विजुलाइज कर देना है। तो चलिए क्वेश्चंस को पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है विजुलाइज द 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव एंड मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का है क्रम आवर्त जिसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप यहां पर, आपको एक नंबर, मैं यहां नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं यहां जीरो लिख लेता हूं। क्या जीरो लिख लेता हूं? क्योंकि नेगेटिव पॉइंट इसमें नहीं है। तो यहां पर मुझे मिला क्या? 1। यहां पर मिला क्या? 1। यहां पर मिला 2। यहां पर मिला 3। यहां पर मिला 4। यहां पर मिला 5। यहां पर मिला 6। यहां पर मिला 7। यहां पर मिला 8। ओके, तो यहां लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये नंबर मिले मुझे, है ना। अभी हम देखेंगे हमारा जो नंबर है वो है 3.765 नंबर है, इसे विजुलाइज करना है। तो देखिए 3 के बाद पॉइंट है ना, तो यानी कि यहां पर देखेंगे ये नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो मैं यहां करने ये वाला हूं कि इन दोनों के बीच में नंबरों को ले ले रहा हूं। इन दोनों के बीच के नंबरों की बात करूंगा मैं यहां पर, तो देखें मुझे यहां पर मिलेगा क्या? 3.1, यहां पर मिलेगा 3.2, यहां पर मिलेगा 3.3, यहां पर मिलेगा 3.4, यहां मिलेगा 3.5 और इसी तरीके से चलते जाएंगे तो आपको मिलेगा 3.9। बट देखिए यहां पर मैं 3.76 है ना, तो हमें यहां पर 3.6 मिलेगा, यहां पर 3.7 और 3.8 एंड 3.9 मैं लिख दे रहा हूं भाई, आपको सारे नंबरों को लिख दे रहा हूं। तो देखें
अब आपको देखिए 3.76 यानी 7 के बाद 6 यानी कि 7 वाला पॉइंट यहाँ पर इन दोनों के बाद का पॉइंट को आपको ले लेना है। जब इन दोनों के पॉइंट को आप लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, देखें यहाँ पर नंबर मिलेंगे आपको, यहाँ पर भी आपको वही नंबर मिलेंगे जो मिलने हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन से नंबर मिलेंगे देखें, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 क्लियर, 3.76 क्या मिला, 3.76 एंड 3.77 एंड 3.78 क्या मिला, 3.78 और 3.79 इस तरीके से आपको ये नंबर मिल जाएंगे। जब आपको ये नंबर मिल जाएंगे तो अब आपको बताना क्या है, 6 के बाद का नंबर ले लेना, यानी 6 और 7 की बात करेंगे इन दोनों की। तो जब इसे विजुलाइज करेंगे तो इसे विजुलाइज करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी देखिए यहाँ पर 3.761, दूसरा 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 क्लियर। तो देखो यही हमें विजुलाइज करनी थी, यानी कि आपका जो नंबर रहेगा वो रहेगा 3.767। ओके ऐसे चलेगा ये आगे। तो हमारा जो नंबर है वो ये है, आप लिखेंगे ये रहेगा आपका नंबर, ठीक है, विजुलाइज नंबर, विजुलाइज नंबर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका विजुलाइज नंबर, करना ये रहेगा आपको सिंपली, देखिए करना ये रहता है कि आपको दो नंबर देख लेने हैं, कोई दो नंबर देखे जिनके बीच में आपका डेसिमल बिलोंग कर रहा है, और उन डेसिमल को बिलोंग करने को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई नंबर लेता हूँ या 5.678 लेता हूँ, मान लीजिए 5.678 लेता हूँ, तो 5 और 6 के बीच में 5 बात, ये देखिए 5 पॉइंट की बात करूँगा, तो 5 पॉइंट यानी इन दोनों के बीच में आपका डेसिमल आएगा 5 पॉइंट के बाद। तो आप देखें 6, 7, 8, तो यहाँ 5.1 चलेंगे, 6 रहेगा, फिर दूसरा चलेगा, तो इसी तरीके से दूसरे सीक्वेंस में चलेंगे, 6 वाला आ जाएगा 6 के बाद, फिर आप 7 वाले पॉइंट में चलेंगे, 7 वाले के बाद 8 वाले में। तो दो टर्मों के बीच में आपको ये डिफरेंस निकालते जाना है, आप जो है आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरीके से, देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था, कौन सा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था, और इसे हम करते गए थे, बहुत इजी वे में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विजुलाइज, देखिए ये है आपके पास 4.26 बार, यानी कि ये आपका दे रखा है 4.26 बार, यानी ये आपको जो है एक डेसिमल है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटेड है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटेड है, इसको आपको विजुलाइज करना है नंबर लाइन के ऊपर। ओके चलिए देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। पहला आप एक नंबर लाइन लिखेंगे, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां पर आपने जीरो लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 9 नंबरों तक आपने नंबर ड्रॉ कर लिए। ओके 4 पॉइंट यानी 4 और 5 के बीच में जो नंबर है वो लेना है, यानी ये वाला नंबर आपको लेना है। जब आपने इसे लिया तो यहां देखेंगे आपको जो वैल्यू मिली वो रहेगी 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9, यानी ये नंबर मिल जाएंगे आपको, इस तरीके से नंबर मिलेंगे। अब आपको देखना है 4.26 यानी कि इसकी बात हम कर रहे हैं, इन दोनों की बात करेंगे, तो यहां पर भी आप नंबर देखेंगे, यहां पर भी आपको नंबर मिलेंगे, क्या देखें 4.21, ठीक है 4.22, 4.23, 4.23 हो गया, 4.24, 4.25, 4.26 और यहां पर 4.27, 4.27 और यहां पर 4.28, 4.28 और 4.29, 4.29 9। तो हमें जो नंबर मिलना है वो कौन सा है, 26, यानी कि आप 26 की बात करेंगे तो आपको यहां पर ये नंबर मिल जाएगा।
बट देखिए ये बार है बेटा, बार का मतलब ये होता है कि ये 2 6 आएगा इस तरीके से और ऐसे ही चलता जाएगा। ओके तो यहाँ 2 6 हो गया, फिर 2 अगेन लेना है, तो 2 अगेन लेने के बाद इन दोनों का बीच का नंबर लेंगे। इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि आपको जो डेसिमल मिलेगा वही रहेगा, क्या रहेगा, पहला 4.261, ओके, दूसरा रहेगा 4.262, ओके, तीसरा रहेगा 4.263, 4.264 और 4.265, 4.266 इसी तरीके से चलेगा 4.269 तक। ओके जब आप देखेंगे तो आपको 261 मिला, 262 मिला, तो 262 और यहां पर ले लेंगे, इस वाले नंबर को लेंगे। अगेन यहां पर आप लिखेंगे क्या, वही नंबर जिस तरीके से आप लिख रहे हैं। तो ऐसे ही ये सीक्वेंस चलता जाएगा, और जैसे ही चलता जाएगा तो आप यहां पर कहेंगे कि ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे 4.26 को। ओके इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। किसी एक पॉइंट पर जाकर स्टॉप कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। या फिर आप यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं कि 4.266 इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 26 और 27 कर सकते हैं, यहाँ एक नंबर बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट टर्म जब आप यहाँ पर चलेंगे तो 7 वाले नंबर पर आप इसे स्टॉप कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर मैंने स्टॉप कर दिया है। बेसिकली ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और रिपीटेड है। बट हम एक इस कंडीशन में क्या करते हैं, रिपीटेड वाले कंडीशन में क्या करते थे, बाकी सब नंबरों को, पीछे के नंबरों को हटा देते थे, यहाँ पर एक नंबर बढ़ा देते, इंक्रीज कर देते थे, इस वजह से ये बढ़ जाता था, ठीक है, और इसे स्टॉप कर दिया करते थे। बट ऐसी कंडीशन में अब हम इसे यही फिनिश करेंगे। ओके चलिए, एक नंबर मैं आपको दूंगा जो आप मुझे करके जो है दिखाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन होगा। ओके चलिए देख लेते हैं, आप इस क्वेश्चन को करके देखिएगा भाई, 6.89 इस वाले नंबर को करिएगा, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्या क्वेश्चन है आपने किया है, फोटो खींचकर आप मुझे कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए ये थे आपके जो है इसी एक्सरसाइज में, यानी कि 1.4 एक्सरसाइज में आपके दो ही क्वेश्चन हैं, और ये दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं जिनका सॉल्यूशन आपको मिल गया है। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी ना भूलें। और हाँ, मैथ्सलॉजी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करना भी ना भूलें, क्योंकि उस पर मिलती हैं आपको सारी की सारी प्रीवियस वीडियो जो कि हम अभी तक क्रिएट कर चुके हैं। तो थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।